देश में लगातार कोरोना के मामलों ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। हर दिन केस तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र और केरल से सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना के कहर ने एक बार फिर चिंताएं बढ़ा दी हैं। 2 सालों से लोग इस महामारी के चलते परेशान हैं, वहीं कई जिंदगियां अब भी इस महामारी से जंग लड़ रही हैं। जबकि कई संक्रमितों ने दम तोड़ दिया है। पिछले कुछ महीनों से कोरोना के मामले कम हो रहे थे, लेकिन जैसे ही देश में कई राज्यों में सख्ती हटाई गई, मामले बढ़ने लगे। अब हालात एक बार फिर बेकाबू होते हुए दिख रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,584 नए केस मिले हैं। कल की तुलना में ये आंकड़े 4.8% ज्यादा हैं। अब तक भारत में कोरोना वायरस के 4,32,05,106 मामले सामने आ चुके हैं। देश में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और केरल में मिले हैं। 5 सबसे संक्रमित राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र सबसे पहले पायदान पर आता है। महाराष्ट्र में 24 घंटे के अंदर 2,813 केस मिले हैं, जबकि केरल में 2,193, दिल्ली में 622, कर्नाटक में 471 और हरियाणा में 348 केस मिले हैं। देश में मिले कुल केसों में से 85% इन्हीं 5 राज्यों में मिले हैं, जबकि अकेले महाराष्ट्र में 37.09% केस मिले हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 24 लोगों की मौत हुई है, जबकि इससे एक दिन पहले सिर्फ 8 लोगों की मौत हुई थी। भारत में महामारी से अब तक 5,24,747 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत में रिकवरी रेट 98.7% हो गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3,791 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक देश में कोरोना से 4,26,44,092 लोग ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केस बढ़कर 36,267 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस 3,769 बढ़े हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को भी देश में 7,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की ओर से देश के सभी राज्यों को पत्र लिखा गया है। पत्र में कोरोना के नियमों का पालन करने और टेस्टिंग व ट्रेसिंग करने के लिए भी कहा गया है। ऐसे में आपको और हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जरा सी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।